नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल चैनल इन खबर और मैं हूं आपके साथ अभिषेक पांडे। बात करेंगे आज के 44वें मुकाबले के बारे में। वर्ल्ड कप का 44वां मुकाबला है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अब अगर बात करें इन दोनों टीमों को लेकर कि इन दोनों टीमों में जो कौन से खिलाड़ी होंगे जो आज के मैच में निर्णायक साबित होंगे, जी हाँ, यानी कि इनके कंधों पर वो दामोदार रहेगा टीम को जिताने का, चाहे वो श्रीलंकन टीम हो, श्रीलंकन टीम के प्लेयर्स हो, बैट्समैन हो या बॉलर हो, या इंडियन टीम हो उसके जो बैट्समैन हो या बॉलर हो। तो ऐसे में इस पूरे बातचीत पर, इस पूरे माहौल पर बात करने के लिए मौजूद हैं अंकुल। तो अंकुल, आपसे सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि टीम इंडिया और टीम श्रीलंका दोनों का मैच है, जहाँ टीम इंडिया को देखा जाए तो काफ़ी मजबूत नजर आती है और टीम श्रीलंका को देखा जाए तो थोड़ी कमजोर नजर आती है टीम इंडिया के सामने। वहीं अगर क्रिकेट को देखते हुए बात करें तो आपको क्या लगता है कि आज के मैच में दोनों टीमों में से वो कौन से प्लेयर्स होंगे जो आज के मैच में निर्णायक साबित हो सकते हैं? देखिए, टीम श्रीलंका को हमें नहीं भूलना चाहिए, वो भी वर्ल्ड कप जीत चुकी है। जी बिल्कुल। और देखिए, इस समय अगर वर्ल्ड कप में टीम इंडिया और श्रीलंका के हेड टू हेड मैचों की बात करें तो 8 मुकाबलों में से 4 मैच श्रीलंका के नाम रहे हैं, 3 इंडिया के, 1 बेनतीजा रहा है, नो रिजल्ट रहा है। तो मुझे लगता है आज के मैच में हमारी टीम इंडिया की तरफ से बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली, जो बहुत दिनों से सेंचुरी के करीब जा रहे हैं लेकिन लगा नहीं पा रहे हैं, तो मुझे लगता है आज उनके बल्ले से शतक भी लग सकता है। वहीं केएल राहुल हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं, ऋषभ पंत हैं, वो अच्छा खेल रहे हैं। उधर गेंदबाजों में बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर देखिए यशवेंद्र चहल, उन्हें हालांकि अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए लेकिन वो भी चाहेंगे आज अपनी गेंदबाजी से फिर अपनी गेंदबाजी से कुछ करें। और इधर देखिए, हम श्रीलंका की टीम में बात करें तो एंजेलो मैथ्यूज जो अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं, एंजेलो मैथ्यूज के बाद लसित मलिंगा, वो भी शानदार प्रदर्शन में है इस समय। तो मुझे लगता है आज का मैच श्रीलंका की टीम के लिए गेंदबाजों पर निर्भर रहेगा और टीम इंडिया के लिए बल्लेबाज सबसे ऊपर रहेंगे, सबसे ऊपर रहेंगे। जी हाँ, तो जैसा आपने देखा अंकुर का कहना यही है कि टीम इंडिया जो है वो थोड़ी मजबूत नजर आएगी आज के मुकाबले में और श्रीलंकन टीम थोड़ी सी फीकी नजर आएगी इंडिया के सामने। और वही वाली बात है कि टीम इंडिया, चाहे कोई भी टीम हो सामने, कोई भी जो गेम होता है वो एक तरफा गेम कभी भी नहीं होता, क्योंकि गेम कभी भी पलट सकता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। वही अंकुर का कहना है कि जो आज का मुकाबला है वो श्रीलंका की तरफ से उनके बॉलर पर निर्भर रहेगा। तो टीम इंडिया की तरफ देखा जाए तो टीम इंडिया की तरफ मिला जुला रहेगा, बैट्समैन की तरफ ज्यादा निर्भर रहेगा। तो जो टीम इंडिया के बॉलर्स हैं वो भी काफी बेहतर प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में। जैसा मैं शमी को देखा है, जिनको रिप्लेस जब किया गया था, उसके जब से रिप्लेसमेंट पर, जो भुवनेश्वर के रिप्लेसमेंट, वो टीम इंडिया में शामिल हुए तो उन्होंने काफी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया। अब ऐसे हम देखते हैं कि आज के मुकाबले में वो कैसा प्रदर्शन करते हैं और जो प्लेयर्स के नाम लिए हैं अंकुल ने, क्या वो प्लेयर्स खड़े उतर पाते हैं आज अपने इस मैच में। ऐसे में जो भी मैच को लेकर अपडेट होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे और वर्ल्ड कप से जुड़ी जो भी खबर है उसकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें हमारे चैनल इन खबर पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इन खबर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।